हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपना फुल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली जिसमें कि मैंने ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पूली ब्रश की हेल्प से इसको कॉम कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, इसको सबसे पहले मैंने अपर डायरेक्शन में कॉम किया है। तो यहाँ पर एंगल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं स्मॉल एंगल ब्रश मैंने यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इससे ब्लैक जेलाइनर को मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे हमें हल्का सा ही अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लैक वाला यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप ब्राउन यूज़ करते हैं तो अच्छे से इसको फिल करें। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले एंगल ब्रश की हेल्प से इसको शेप में सही करेंगे और फिर यहाँ पर मैंने कंसीलर से इसको शार्प लाइन देने के लिए, अच्छी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस पर लाइन क्रिएट की है। और फिर मैं यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको इस तरीके से सेट कर दूँगी और एक्स्ट्रा जितना भी यहाँ पर कंसीलर होगा इसको हम रिमूव कर देंगे। तो फेस पर मैंने अभी कुछ अप्लाई नहीं किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर NYBA का अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको पूरे फेस पर इस तरीके से हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर अपनी आईज़ पर अप्लाई किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी आई का मेकअप क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन के सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया है। बहुत ही हल्का सा इसे हमें आईज़ पर सेटिंग पाउडर को अप्लाई करना होता है, बहुत ज़्यादा इसे सेट नहीं करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से डार्क ग्रीन कलर को अपने आई शेडो पैलेट से पिक किया है और इस तरीके से मैं इसको कट क्रीज की तरह यहाँ पर पहले शेप में अप्लाई करूँगी और फिर पूरी आई लीड्स पर मैं इसको ग्रीन कलर को ही अप्लाई करूँगी। तो जो यहाँ पर अपर डायरेक्शन है आई शेडो की, तो यहाँ पर मैंने इसको डार्क कलर दिया है और आफ्टर कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर को सेम पैलेट से ही पिक करते हुए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैंने उसको डार्क कलर देने के लिए यहाँ पर काजल को अप्लाई किया था, फिर उसको ब्लैक कलर के आई शेडो से सेट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इसको कट क्रीज अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर से। तो हाफ़ कट क्रीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कट क्रीज को मैंने यहाँ पर सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया है और फिर से मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको फिंगर की हेल्प से यहाँ पर मैं मूज पैलेट से यहाँ पर सिल्वर कलर को पिक किया है और फिंगर से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है। तो फिंगर से इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डार्क ग्रीन कलर वाले ब्रश से इसको स्मच कर दिया है जिससे कि ये कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। तो आप देख सकते हैं आईज़ का मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से इसको हमें अप्लाई करने के बाद हल्का सा इसको शेड को मिक्सअप करना होता है जिससे कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। तो फेस पर मैंने यहाँ पर प्राइमर मैंने पहले अप्लाई किया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर कैरेक्टर, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि डार्क स्पॉट्स है तो वहाँ पर मैंने कलर कैरेक्टर को अप्लाई किया था और मैंने स्विस ब्यूटी के कंसीलर को अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेटलमाइट का फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो इसको मैंने पहले फिंगर की हेल्प से हल्का सा अप्लाई किया था, फिर मैंने इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई किया है और फिर मैंने इसको ब्लू हेवन के सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने नोज़ की कॉन्टोरिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल ब्रश से इसको इस तरीके से लाइन को अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं साइड में भी इसको अप्लाई करूँगी। इससे नाक की शेप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और इसको करना भी बहुत ईजी है। तो आप देख सकते हैं एक मैंने स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेकअप के टाइम भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग रही थी। तो यहाँ पर तो गाइस नेक पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो नेक पर भी ज़रूर फाउंडेशन को अप्लाई करें। तो आप देख सकते हैं फेस और नेक मेरा अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है स्वेटिंग के कारण। तो मैंने यहाँ पर फेस पर अप्लाई नहीं किया है, सॉरी, मैंने यहाँ पर नेक पर फाउंडेशन को ही अप्लाई नहीं किया है। तो मुझे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मैं यहाँ पर वीडियो के लिए ही इसको क्रिएट कर रही हूँ। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ गाइज नेक पर भी अपने फाउंडेशन ज़रूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने शुगर के पैलेट से ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ। तो कॉन्टोरिंग मैंने यहाँ पर चीक की है, तो उसके बाद यहाँ पर शुगर के पैलेट से मैंने पिंक कलर को पिक किया है और इस तरीके से हल्का सा स्माइल करते हुए अपने चिक्स पर इसको अप्लाई कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हल्का सा फोरहेड पर मैंने इसको ब्रश को हल्का सा ही अप्लाई किया है इस तरीके से कॉन्टोरिंग से। और यहाँ पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर मैबलिन का हाइलाइटर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैंने चिक बॉन्स पर अपनी हाइलाइटर को अप्लाई किया, नोज़ पर अप्लाई किया है, क्यूपिड पर भी आप देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से पहले फिंगर से इसको अप्लाई किया, फिर ब्रश की हेल्प से इसको हल्का सा स्मच कर दिया जिससे हार्श ना लगे, और फोरहेड पर भी इसी ब्रश को हल्का सा ही यूज़ करेंगे। तो ब्रो बोन्स को यहाँ पर मैंने सेम मूज पैलेट से सिल्वर कलर को पिक किया था, तो इसको मैंने ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट किया है। तो आइज़ के इनर कॉर्नर पर भी मैंने उसी को मूज पैलेट से ही सिल्वर कलर को पिक करते हुए इसको अप्लाई किया है। और मैंने यहाँ पर मस्कारा अप्लाई किया है, तो फॉल्स इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ फॉल्स इसको अप्लाई किया है, तो इसको मैंने सेट होने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स को अप्लाई कर रही हूँ, तो ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी ये शेड पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मेकअप गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से घर पर किसी भी पार्टी वगैरह के लिए तैयार हो सकते हैं, किसी फंक्शन के लिए खुद से ही इस तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो बालों को मैंने हल्का सा कर्ल किया है, तो आप देख सकते हैं ये है मेरा गाइस फाइनल। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।